वेलकम टू ENT चैनल एंड आज का पॉडकास्ट हमारा फिर से टिनाइटिस को लेकर आ गया। टिनाइटिस के इतने पेशेंट्स हैं जो नॉर्मली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते बेसिकली। तो आज मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर टिनाइटिस का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो उसको किस तरीके से सेल्फ ट्रीट किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि टिनाइटिस बहुत कॉमन है, इवन बच्चों को भी होता है और बुजुर्गों में तो ये बहुत कॉमनली मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टिनाइटिस का कारण ढूंढा जाए। 99% केस में देखा गया है कि टिनाइटिस सुनने की समस्या के कारण होता है। कई बार आपको नहीं पता चलता है कि आपको सुनने में दिक्कत आ रही है, पर जब इन्हीं लोगों का ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है जिसमें हर फ्रिक्वेंसी को जांचा जाता है कि कितने डेसिबल थ्रेशोल्ड पर वो सुन पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हियरिंग डेफिशिट निकलता है, स्पेशली हाई फ्रिक्वेंसी में। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अमूमन 60 साल में भी एज रिलेटेड हियरिंग लॉस सबको शुरू हो जाता है। तो अगर आपको टिनाइटिस हो रहा है तो सबसे पहले अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट कराएं, और अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व किया जाए, तो जिससे टिनाइटिस खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि टिनाइटिस का एक्चुअल में सॉल्यूशन पाया जा सकता है। हाँ, ज्यादातर केस में पाया जा सकता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं 1% जहाँ टिनाइटिस का कोई कारण नहीं मिलता, तो हमें कुछ सीरियस बातें रूल आउट करनी चाहिए। तो उस केस में हम कुछ बैरा टेस्ट या MRI वगैरह स्पेशल टेस्ट भी कराते हैं। तो अगर बाई चांस किसी का बैरा टेस्ट या MRI में भी अगर कोई नहीं आता, अगर वो डेफिशिएंसी नहीं डिक्लेयर होती, तो फिर तब क्या किया जाए? तो हमारी कोशिश होती है कि वो व्यक्ति टिनाइटिस से कोप अप कर पाए। हमारी कोशिश होती है कि वो टिनाइटिस की जो सीवियरिटी है हम उसको कम कर पाएँ। तो उनको बहुत सारी टेक्निक्स ऑफर की जाती है। हम टिनाइटिस को दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो वो व्यक्ति इसका हैबिचुएट हो जाए, वो उसमें समय लगता है, और या फिर कुछ ऐसी हमारे पास ट्रीटमेंट है जैसे साउंड थेरापी, जिसमें टिनाइटिस की जो हैबिटेशन प्रोसेस को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रीटमेंट है जो उनको ऑफर की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर एक बीमार को अपनी बीमारी से दोस्ती करनी पड़ेगी। बीमार को वो बीमारी तब तक वो बीमारी लगती है जब तक वो उसके बारे में सोचता रहता है। जैसे कि अगर आपको टिनाइटिस हो रहा है तो अब वो साउंड आपके अंदर से आ रही है, तो आप एक काम करिए, अपने बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक रखिए, कुछ साउंड लगा दीजिए, गर्मी पंखा कूलर की आवाज़ या AC की आवाज़ वो लगा दीजिए। तो और आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे जहाँ पे आप नेचुरल साउंड चला सकते हैं, जैसे सी साइड या कुछ स्टॉर्म या फिर जंगल की आवाज़ या इवन डे टू डे की आवाज़ या हल्का सा बर्ड चर्पिंग म्यूजिक, तो जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने स्पेशली साउंड चला रखी है और वो आपके एनवायरनमेंट वाली साउंड ही लगे, और जिससे कि आपको वो सन्नाटा महसूस नहीं होगा और अपने अंदर की आवाज़ जिसे हम टिनाइटिस बोलते हैं वो महसूस नहीं होगी। तो टिनाइटिस को अगर हमें कम करना है या उसके साथ जो जैसे भी कहा दोस्ती करनी है, कॉप अप करना है, तो हमें कोई ना कोई साउंड थेरेपी ही लेनी पड़ेगी। नहीं, ज्यादातर केस में कुछ नहीं लेना, आप घर पे ही टिनाइटिस ठीक कर सकते हो। उस केस में बस पहले डॉक्टर से वर्कअप करा ले कि कोई ट्रीटेबल कॉज तो नहीं है, जैसे कान में सिंपल वैक्स भर जाए, वैक्स भरने से कान ब्लॉक हो गया, सुनाई कम दे रहा है, वैक्स निकालते ही सुनाई ठीक हो जाएगा, तो आपका टिनाइटिस भी ठीक हो जाएगा। ये बहुत कॉमन है वैक्स। देन कान के पर्दे में कोई छेद है जिससे कम सुनाई दे रहा है, छेद को भरने से उम्मीद है कि सुनाई ठीक हो जाएगा, टिनाइटिस ठीक हो जाएगा, तो ENT डॉक्टर से पहले आप देख लें। अगर ENT डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है कोई सर्जिकली या मेडिसिन से और ट्रीट नहीं किया जा सकता, तब टिनाइटिस ज़्यादातर केसेस में खुद अपने आप ही लोग अडेप्ट करना शुरू हो जाते हैं। बहुत क्रिटिकली थिंक नहीं करना है कि टिनाइटिस कोई सीरियस बीमारी, ज़्यादातर केस में टिनाइटिस खुद से खुद अडेप्ट कर लेता है, व्यक्ति खुद से खुद टिनाइटिस को की सीवियरिटी कम होती जाती है अगर वो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे। तो यहाँ पे इसी का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया डॉक्टर साहब, वो यही है कि आप पहले अपनी बीमारी को जानें, उसको समझें, अपने डॉक्टर से ENT डॉक्टर से पूरी तरीके से सलाह लें, घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से वो बीमारी आपको बहुत बड़ा एक जायंट रूप ले लेगी। तो बेहतर है घबराएं नहीं, अच्छे से उसके बारे में स्टडी करें, जानें, और फिर उसको सॉल्यूशन की तरफ हम आगे देख सकें। इसके साथ सर और कुछ हम कर सकते हैं, मतलब जहाँ तक अभी तक हमने समझा हमारे, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनके सवाल अभी भी बहुत होंगे टिनाइटिस को लेकर,
कि आखिर ये होता है तो क्यों होता है, और आपने जैसे बहुत सारी चीजें बताई कि वैक्स की वजह से भी हो सकता है या कोई और डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, तो इसका जब कम होता है टिनाइटस तो जैसे आपने कहा कि उसका सॉल्यूशन भी है, मगर अगर बड़ा हुआ टिनाइटस हो और उसके साथ हम साउंड की थेरेपीज रखें, उसके अलावा भी कोई और हम सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं? यस, एक तो टिनाइटिस वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोते हुए, कि उन्हें नींद नहीं आती जिस टाइम सन्नाटा होता है। तो आपके अंदर अगर कोई एंग्जाइटी है तो आप उसको ट्रीट करिए, कुछ मन में कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में ये टिनाइटिस ज़्यादा फील होगा। जैसे जब आप बहुत अच्छे मूड में हो तो बाहर कितना भी साउंड हो रहा हो तो यूजली इफेक्ट नहीं करता, और जब बहुत ख़राब मूड हो और कोई पिन भी गिरा दे तो वो साउंड बहुत ख़राब लगती है। इसलिए सबसे पहले अगर आपको टिनाइटिस हो रहा है तो आप अपने मूड को जानें कि आपका मूड कैसा है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो ऑब्वियसली आप अपने आप को रिलैक्स करें। आप रिलैक्सेशन के कई सारे तरीके होते हैं, बेस्ट तरीका होता है कि आप अपनी किसी हॉबी की तरफ इन्वॉल्व हो। अगर आपको काम पसंद है तो अपने काम में बिजी हो जाएं। टिनाइटिस आपको तभी तंग करेगा जब आप खाली बैठे हो। अगर आप अच्छे से बिजी हो, इंजॉय कर रहे हो काम को, या अपने यूजुअल वर्क में बिजी हो, तो टिनाइटिस यूजली आपको तंग नहीं करेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब ने कि आज के बाद अपनी इस बीमारी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, म्यूजिक एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, या किसी ना किसी काम में आप इन्वॉल्व हो जाइए तो ये बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। यहाँ तक तो इतनी हेल्प हो सकती है, और उसके बाद भी अगर आपके कोई भी सवाल रह गए हैं इस टिनाइटिस की प्रॉब्लम को लेकर, तो प्लीज़ पहले इन सारी बातों का एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, और फिर भी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा। इसी के साथ मैं नैंसी चोपड़ा प्लस डॉक्टर अजय जैन, हम लोग इजाज़त लेते हैं आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद।